वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटा घर के पास सुजानगढ़। क्योंकि चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और 5-7-10 मिनट बाद प्रचार समाप्त हो जाएगा और हम भी कानून की और आचार संहिता की पालना करने वाले लोग, हमारी पार्टी बहुत कानून की पालना करती है। मैं आपसे एक ही आह्वान करता हूं, ये जंग बहुत बड़ी जंग है, खेमसर की धरती से एक इतिहास लिखा जाएगा, खेमसर की धरती से इतिहास ये लिखा जाएगा कि मोदी, अमित शाह, भजनलाल, सारे माफिया और सारे पैसे वाले उद्योगपति जिसको हराने के लिए चले थे, जब कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया था, फिर भी खेमसर के आम जवान, किसान और सर्व समाज ने अपने भाई हनुमान बेनीवाल को नीचे नहीं गिरने दिया, उन्होंने उसको जिंदाबाद रखा, जिस 8, 13, 14, 18, 19, 23, 24 और फिर 24। इस चुनाव का संदेश दिल्ली तक जाएगा। 7 चुनाव की चिंता बीजेपी को नहीं है, 6 में कुछ भी हो, लेकिन खेमसर में हनुमान को हराना है और उनके साथ हमारे समाज के वो नेता जिनकी समय समय पे मैंने मदद की, उन्होंने जब भी कर्मकांड किए, जब उलझ रहे थे, मैंने आप लोगों के अंदर से मदद की, लेकिन आज सबका एक ही मकसद है कि हनुमान हारना चाहिए। और भाइयों, अगर हनुमान हार गया तो किसान कौम हार जाएगी, हनुमान हार गया तो दलित हार जाएंगे, हनुमान हार गया शोषित हार जाएगा और हनुमान हार गया मुसलमान हार जाएगा। आपके आंसू पहुंचने वाला कोई राजस्थान के अंदर नहीं मिलेगा, इसलिए इस बात को गिन के आप गांठ बांध लो। हमें वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रत्याशी कनिका, जो महिला शक्ति, नारी शक्ति की प्रतीक के रूप में आपके बीच आई है, नारायण को मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया, मेरे पिताजी को भी समय समय पर आपने आशीर्वाद देके राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा और भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार भी नहीं मिला। मेरी स्कूल में पढ़ा हुआ जो फेल हो गया उसको भारतीय जनता पार्टी ने मेरी स्कूल से फेल हुए व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया, भगोड़ा मुझे छोड़ के भाग गया और भगोड़े को मिलिट्री क्या सजा देती है और कानून क्या सजा देता है रामनिवास जी, वो आप अच्छी तरह जानते हो। आपको इस बार ऐसी सजा देनी है वोट की चोट से, जिस तरह की गलत भाषा का प्रयोग कुचेरा के नेताओं के साथ मिलके उनका झूठा खाके वो उनके बल पे कूद रहा है, उसको पता नहीं कि हनुमान बेनीवाल के नाम से तो मोदी और अमित शाह कांपते हैं, तेरी औकात क्या है। ये तो मेरा बड़प्पन देखो कि मैं, ये तो मेरा बड़प्पन देखो कि मुझे इतनी गालियां दे रहे हैं सारे एक सारे, फिर भी मैं सारी गालियां खा के भी चुप बैठा हूं, चुप होंगे नहीं हूं बताओ। चुनाव के बाद मुझे कोई गाली दे के देख ले और दोबारा गाली दे दे तो, जब कुचेरा के अंदर पिछली बार बूथ पे इनकी धुनाई हुई थी, तब मैं कुचेरा था, रिजवाल जी अपने घर में थे, मेरा मकसद था थाने से उन बच्चों को छुड़ाना और थाने से वापिस लेके जाना, और ऐसी बुराली घर पे, अरे हनुमान मेरे घर पे हमला कर देगा। मैंने कहा अरे कैसी बातें करो, कैसी मानसिकता आप लोगों की, क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं आपको लगा मैंने कभी किसी को तंग परेशान किया खेमसर, नागौर और राजस्थान के अंदर, मेरी गाड़ियों पे हमला किया बाड़मेर के अंदर, मुझे मारने का प्रयास किया 5 बार राजस्थान के अंदर,
तमाम माफियाओं से लड़ा, तमाम बदमाशों से लड़ा, बजरी माफिया से लड़ा, तमाम गुंडों से लड़ा और अपनी पार्टी बढ़ा के प्रदेश के अंदर ये संदेश दिया, मैं उस वीर भूमि से आता हूं जहां तेजाजी महाराज ने अवतार लिया और ये वीर भूमि का योद्धा किसान का बेटा तेजाजी का भक्त हनुमान बेनीवाल सत्ता को ऐसे ठोकर मारता है जैसे छोटा बच्चा फुटबॉल के लात मारता है। ऐसे 20 साल मैंने सत्ता को ठोकर मारी। जब देश के अंदर किसानों को आवश्यकता पड़ी, जब देश पुकार रहा था कि कौन किसान का बेटा किसानों के लिए आया था आएगा, उस वक्त नागौर का सांसद सत्ता की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के किसान कौम की रखवाली के लिए 70 दिन सड़क पर बैठा रहा और मोदी और अमित शाह से सामना किया। जब जवान तकलीफ में था सेना को ठेके पे दिया, उस वक्त आपका सांसद आपके सेना के सम्मान में आपके भाइयों की लड़ाई लड़ रहा था। जब पहलवान बेटियों तकलीफ में थी, जब पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, उन पहलवान बेटियों को बचाने के लिए नागौर के सांसद ने जंतर मंतर लोकसभा और सब जगह प्रयास किया और आपको न्याय दिलाया। भाइयों, मैं इतना ही आह्वान आपको करता हूं, कल आज और कल परसों पूरी ताकत के साथ गांव में लग जाए, एक एक व्यक्ति पूरी ताकत से काम करें। ये पुलिस के लोग खड़े मेरे सामने, ये आगे देख लो, आप ही बताए सरकार है ना इनकी, इसलिए कह रहे साहब भाषण 6 बज गए इनके इनके घंटी बज रही है, इसलिए मुझे रोकने के लिए आए। लेकिन मैं इनको भी कहना चाहूंगा, आप शांत रहे, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मुझे पता आचार संहिता मैं जानता हूं और मैं कानून की पालन करने वाला व्यक्ति हूं। आप सबसे आह्वान करता हूं कि हम कानून के रक्षक हैं, हमें कानून की पालना करनी है और कल और परसों जिस तरह मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिस तरह अवैध माइनिंग के नाम पे हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के नाम पे सरपंचों को सस्पेंड किया जा रहा है, आप चिंता मत करना, मैं नागौर के अंदर हूँ, राजस्थान की सरकार में दम है, मेरे एक कार्यकर्ता की तरफ देख के दिखा देना, चुनाव का रिजल्ट बाद में आएगा, पहले संघर्ष होगा। भाइयों, आपसे अपील करता हूँ कि कनिका को, इंदिरा जी आओ एक मिनट, इंदिरा जी कनिका को पूरा आशीर्वाद देने, देखे एक मिनट रुकिए भाई, बोतल का चुनाव चिन्ह है, इंदिरा बावरी जी मेरे साथ है, इंदिरा जी अपील करेगी बावरी समाज और अन्य समाजों से, नारी शक्ति की प्रतीक के रूप में मुझे कमजोर मत पड़ने देना, नहीं पड़ने दोगे ना, कमल के सत्यानाशी फूल को मसल दोगे। रूढ़ गांव के मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि एक तरफा मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक दे। आप सबको धन्यवाद, सब अपने अपने घर जाए, आज रात को रखवाली करे, कोई घुस नहीं जाए गांव के अंदर पैसे बांटने के लिए, कल रखवाली करे, परसों रखवाली करे, डरने की जरूरत नहीं, डर लगे मुझे याद कर लेना, चुनाव होता रहेगा, मैं बैठ जाऊंगा और सरकार को झुका दूंगा, हमेशा आपके लड़ता रहूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।